This video is not sponsored and you are not watching an advertisement. All the views expressed are personal and purely meant for educational purposes. दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बताऊंगा जो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि मैं तो बोलूंगा ये सुपर इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये आपके यूजेज पैटर्न के हिसाब से और आपको देखकर ये सीखता भी है और साथ ही साथ ये आपसे बातें करेगा, आपको खुद से ये रेफ्रिजरेटर बताएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। या तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद से ठीक कर लेगा या फिर वो आपकी मदद करेगा अपने प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। दोस्तों जब भी कोई छोटा बच्चा घर में होता है और वो रोता रहता है, हमें पता नहीं चलता कि उसके पेट में दर्द हो रहा है या फिर उसके सिर में दर्द हो रहा है या फिर कहां पर प्रॉब्लम है, वो बच्चा रो क्यों रहा है। हमारे मैक्सिमम रेफ्रिजरेटर्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो रेफ्रिजरेटर बताने लगा हूं वो छोटे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक मैच्योर इंसान की तरह खुद से बताएगा कि अगर उसको दर्द हो रहा है तो वो कहां पर और कैसे वो आप ठीक कर सकते हैं, वो रेफ्रिजरेटर आपको खुद से बताएगा। आज रेफ्रिजरेटर मैं आपको बताने लगा हूं ये है एलजी का 408 लीटर का 3-स्टार डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। दोस्तों ये एक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, वाईफाई कनेक्ट और आपको इसमें और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मैं आपको सभी फीचर्स वन बाय वन बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये रेफ्रिजरेटर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि ये आपको देखता रहता है और आपसे ये सीखता रहता है और उस हिसाब से अपने आप को ये एडजस्ट करता रहता है। और आपको इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होना है बल्कि ये खुद को आपके हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वहां से इस रेफ्रिजरेटर को खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, आपको अमेज़न की जो कॉस्ट है आपको वही कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन इससे इस चैनल की मदद थोड़ी सी हो जाएगी जिससे हम आपके लिए इस तरह के कॉन्टेंट लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर में आपको क्या कुछ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि एलजी के इस डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में आपको क्या बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बाकी के सुपर डुपर फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 408 लीटर की, जिसमें आपको इसमें नेट कैपेसिटी मिल जाती है 376 यानी कि 376 लीटर की। ये जो रेफ्रिजरेटर है ये सालाना 226 यूनिट्स कंज्यूम करता है और ये एक 3-स्टार रेफ्रिजरेटर है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके बाकी फीचर्स की तरफ और यहां पर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों अगर इसके बाकी फीचर्स के हम देखें तो डेफिनेटली ये एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, तो इसमें आपको ऑटो डिफ्रॉस्ट का फंक्शन तो डेफिनेटली मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको एक स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर भी मिलता है जो कि रियली काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम करने के लिए सक्षम है। इन्वर्टर कंप्रेसर होने के कारण ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, नॉइज़ लेवल काफ़ी कम होती है और आपकी बिजली की कंजम्पशन भी ये कंप्रेसर काफ़ी कम करता है। दोस्तों ये सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि सुपर स्टाइलिश रेफ्रिजरेटर है। स्टाइल के मामले में तो ये आपके घर में जो है वो चार चांद लगा देगा और जो भी गेस्ट आपके घर में एंटर करेंगे ना वो देखते ही सबसे पहले उनकी नजर इस रेफ्रिजरेटर पे जाने वाली है। इसके आप फ्रीजर यूनिट के जो डोर में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है और उसमें बहुत ही सुंदर डिस्प्ले आपको मिल जाता है। ओवरऑल रेफ्रिजरेटर की जो लुक्स है, जो कलर है, बहुत ही सुंदर आपको मिलता है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये आपका वाईफाई कनेक्ट से आपके मोबाइल के साथ ये कनेक्ट हो जाता है और इसमें आपको एक ThinkQ ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर खरीदने के बाद आपको इसके स्टिकर पे एक QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करते ही ये सीधा आपको ThinkQ ऐप में ले जाएगा जहां से आपको ThinkQ ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करके आपको उस ऐप को सेटअप करना है और अपने ऐप को और रेफ्रिजरेटर को दोनों को ही घर के वाईफाई से आपको कनेक्ट करना है। घर के वाईफाई से जब आपका फोन और आपका फ्रिज दोनों कनेक्टेड होंगे तो उसके बाद अपने फोन से आप किसी भी डिस्टेंट लोकेशन से कहीं से भी अपने फ्रिज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी कूलिंग को आप बढ़ा घटा सकते हैं या फिर और भी काफी सारे कंट्रोल्स हैं जो अपने फ्रिज का आप किसी भी डिस्टेंट लोकेशन से आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक हाइजीन फ्रेश टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिससे आपका जो फ्रिज के अंदर का जो भी खाना होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश रहता है। इसमें आपको एक फोटो कैटलिस्ट फिल्टर मिल जाता है और इसमें आपको एक हाइजीन फ्रेश वाला एक फिल्टर अलग से मिलता है
और ये जो फिल्टर है ये आपके फ्रिज के अंदर का जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह या फिर वायरस वगैरह फ्रिज के अंदर आपके खाने के अंदर फूड के अंदर हो सकते हैं उन सभी वायरस को और बैक्टीरिया को ये ट्रैप करके न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपके फ्रिज के अंदर का जो खाना है वो ठंडा ही नहीं रहता बल्कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी रहता है और अंदर की जो कूलिंग है अंदर की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहती है। इसमें ड्यूडराइजर भी लगा है तो वो एक कार्बन फिल्टर होता है बेसिकली जो आपके फूड में अगर कोई भी स्मेली जो स्मेल वाला जो पार्ट होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके फ्रिज के अंदर जो है ओवरऑल कोई स्मेल को वो नहीं रहने देता है। अब इसके अगले फीचर में चलते हैं और ये जो है ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर है और ये है डोर कूलिंग। दोस्तों एलजी का ही एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है जहां पर आपको डोर कूलिंग मिल जाती है और यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि आपके फ्रिज के डोर में ही ऐसे बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश वेंट्स बने हुए हैं जहां से जो है ठंडी हवा पूरे फ्रिज में सर्कुलेट होती है। वैसे तो फ्रिज के नॉर्मली पीछे वाले साइड में वेंट्स होते हैं जो कि इस फ्रिज में भी आपको पीछे वाले साइड में वेंट्स मिल जाते हैं और वहां पे जो फैंस लगे हैं पूरे फ्रिज में हवा को सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वेंट्स हैं जो कि आपके फ्रिज के डोर में लगे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करते हैं। आपके डोर साइड में जो भी खाना जो भी सामान वगैरह रखा है वो जल्दी से कूल होता है और एलजी का कहना है कि 35% फास्टर कूलिंग होती है आपके इस फ्रिज की डोर कूलिंग की वजह से। अगर इसके अगले फीचर की हम बात करें तो यहां पर आ जाता है इसका स्मार्ट और इंटेलिजेंट फीचर जहां पर ये फ्रिज आपसे बातें करके खुद से बताएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके फ्रिज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले तो ये फ्रिज जो है वो खुद से उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर वो अपने प्रॉब्लम को खुद से ठीक नहीं कर पाता है और आपको लगता है कि इसकी कूलिंग थोड़ी बहुत कम है तो इसमें एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिससे कि आप अगर इसके स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप इसको खोलते हैं उसके बाद आपको बस इसके सेंसर के पास इस स्मार्ट कनेक्ट ऐप को खोलने के बाद अपने फ़ोन को लेकर जाना है और अपने आप से ये जो फ्रिज है वो आपके स्मार्ट कनेक्ट ऐप के थ्रू कस्टमर केयर को ये बता देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कुछ बीप्स बजेंगे। बेसिकली आपका जो फ्रिज है वो आपके कस्टमर केयर के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको वो जानने की कोशिश करता है और फिर वो कस्टमर केयर पे बता देता है कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट में किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो आपका जब टेक्नीशियन कस्टमर केयर से आता है तो उसको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और वो पहले से ही जान जाता है कि उसको क्या पार्ट रिप्लेस करना है या फिर किस तरीके से उसको फ्रिज को ठीक करना है, वो पहले से ही जानकारी लेकर आता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है और रियली काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट फीचर है। साथ ही साथ इसमें स्मार्ट लर्नर एल्गोरिदम भी है, यानी कि फ्रिज खरीदने के 3 हफ्ते तक फ्रिज आपको ऑब्जर्व करता है, फ्रिज आपके यूजेज पैटर्न को नोट करता है और अपने एल्गोरिदम में अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करता रहता है और आपके यूजेज पैटर्न के हिसाब से वो कूलिंग करता है ताकि आपकी जो फ्रिज है वो सही तरीके से कूलिंग को मेंटेन कर पाए। होता ये है कि 3 हफ्ते तक आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो आपके यूजेज पैटर्न को नोट करता है और उसके हिसाब से अगर वो देखता है कि कौन कौन से टाइम पे आप फ्रिज को ज़्यादा खोलते हैं, जिस टाइम पे आप फ्रिज को ज़्यादा खोलते हैं उससे करीब 2 घंटे पहले से ही फ्रिज जो है अपने टेम्परेचर को करीब 1 डिग्री और नीचे कर लेता है और उसको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वो ठंडा रखने की कोशिश करता है ताकि उसके 2 घंटे बाद जब आपके फ्रिज की जो यूजेज है वो ज़्यादा होती है उस वक्त आपका फ्रिज जो है वो ज़्यादा कूल रहता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों, जहाँ पर फ्रिज आपके ही यूजेज पैटर्न को देखकर वो आपसे सीख रहा है और उस हिसाब से वो अपने कूलिंग को मेंटेन रख रहा है, पहले से ही वो अपने आप को ज़्यादा कूल रख रहा है ताकि जब आप ज़्यादा यूज़ करें फ्रिज को तो उसकी कूलिंग जो है वो कम ना हो। और दोस्तों आपको इसमें ऑटो स्मार्ट कनेक्ट का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि जब भी आपके घर में लाइट जाती है तो ऑटोमेटिकली ये फ्रिज आपके घर के इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये फ्रिज जो है वो ट्रिप नहीं करता और कूलिंग को अपनी कंटिन्यू मेंटेन रखता है, वो रुकता नहीं है। और दोस्तों इस फ्रिज के डोर में आपको बिल्कुल नीचे एक बहुत बढ़िया शेल्फ मिल जाता है जहां पे आप अपने बॉटल्स वगैरह को रख सकते हैं और इसके बारे में मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स में जहां पर एक बहुत ही बढ़िया आपको बड़ा सा वेजिटेबल बास्केट मिलता है वहां पर सबसे नीचे वाला जो शेल्फ है वो आपको नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि बड़े वेजिटेबल बास्केट को एकोमोडेट करने के लिए डोर का जो सबसे नीचे वाला शेल्फ है उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है आपको एक बड़ा वेजिटेबल बास्केट भी मिल रहा है और आपको डोर में नीचे एक एक्स्ट्रा शेल्फ भी मिल रही है जहां पर आप अपने बॉटल्स वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इसका फ्रीजर 108 लीटर का है, यानी कि काफी बड़ा फ्रीजर कंपार्टमेंट है और ये एक कन्वर्टेबल फ्रिज है, यानी कि आप चाहते हैं तो इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट को
को भी आप नॉर्मल फ्रिज की तरह यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी मिल जाता है, यानी कि 100 से लेके 310 वोल्ट तक का जो भी बिजली का फ्लक्चुएशन है वो सभी इसके अंदर का इनबिल्ट स्टेबलाइजर एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक अलग से स्टेबलाइजर भी जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये फ्रिज करीब 47-48,000 का है, नियर अबाउट 50,000 का फ्रिज आपको पड़ जाता है, तो इतना महंगा आइटम है, तो आपको इसकी सुरक्षा के लिए अलग से एक स्टेबलाइजर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है जो आपके फ्रिज को बचा सकता है। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो आपको इसमें 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पे वारंटी मिल जाती है और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट नहीं है, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे LG से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ना ही मैं LG की कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मैं आपको इस रेफ्रिजरेटर के बारे में बताना चाहता था क्योंकि अपने रिसर्च के वक्त मुझे इसके फीचर्स जो है वो वन ऑफ द बेस्ट लगे। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको और भी काफी सारे ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा। जो भी ब्रांड अपने अच्छे अच्छे फीचर्स को लेकर आएगा उन सभी को मैं अपने चैनल पे बताता जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली LG या फिर गोदरेज या फिर वर्लपूल या फिर किसी भी एक ब्रांड को मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन हाँ LG के जो फीचर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो मुझे काफ़ी एडवांस्ड लगी, काफ़ी इंटेलिजेंट लगी, इसीलिए आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी था। और दोस्तों मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट बाय लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से आप उन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो खरीद भी सकते हैं। और वहां से अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपके Amazon के प्राइस में एक पैसे का भी चेंज नहीं आएगा, आपको वही प्राइस पे करना पड़ेगा जो आपको Amazon पे नॉर्मली पे करना पड़ेगा। लेकिन इस चैनल की उससे थोड़ी सी मदद हो जाएगी, जिससे हम आपके लिए इस टाइप का कॉन्टेंट लाते रहेंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और इस रेफ्रिजरेटर के बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में किसी और प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।